अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला जो ऐप है उसके लिए मैंने 4x1 रखा है, दूसरे जो ऐप है उसके लिए मैंने 4x2 रखा है, और तीसरा जो ऐप है उसके लिए मैंने 4x3 रखा है। अब इसका मतलब है कि अगर कोई एक मेरा पासवर्ड देख लेता है या समझ जाता है तो ये दो ऐप को नहीं खोल सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि सारा सेम है, बट ऐसा है नहीं। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपको फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू सेट पासवर्ड इन योर एंड्रॉयड ऐप्स, यानी कि आप अपने फ़ोन के अलग अलग ऐप्स में अलग अलग पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, तो चलो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। बट यार, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो चलो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पे आ जाओ, और यहाँ पे जो है आपको सर्च करना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये जो ऐप दिख रहा है, सिंपली से इसको आपको जो है इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पे मैंने भी इसको इंस्टॉल कर लिया है, एंड इसको सिंपली से आप ओपन कर दो। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको जो है पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको इस ऐप के लिए पासवर्ड सेट करना है, ये इस ऐप का मेन पासवर्ड होगा। बेसिकली आप ये समझ लो कि इस ऐप का जो है ये गेट है, मेन गेट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रख दिया है, एंड वापस से रेंडर पासवर्ड डालना है। तो फिर से मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया है, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया तो देखो यहाँ पे वापस से एक ऑप्शन आपसे आ गया है कि क्या आप इस ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक भी करना चाहते हैं, येस और नो। अगर आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो आप यस कर दो, एंड अपना फिंगरप्रिंट का जो है आप सेटअप कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही करोगे तो देखो इसका होम स्क्रीन पे, यानी कि इसका होम लॉबी पे यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अब इसका होम स्क्रीन पे करना क्या है, तो देखो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। जैसे ही इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर में एक ऑप्शन मिलेगा तुमको मल्टीपल पासवर्ड्स का। ठीक है, जैसे ही आप इस मल्टीपल पासवर्ड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे जो प्लस का बटन दिख रहा है सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेगा। पहला जो है पासवर्ड पिन का, यानी कि पिन का पासवर्ड बना सकते हैं। दूसरा जो है वो है पैटर्न का, और तीसरा जो है वो पासवर्ड बनेगा कैरेक्टर का, यानी किसी का नाम लिख सकते हैं, और चौथा जो है वो जेस्चर का। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जो है पिन सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो पासवर्ड आप सेट करने जा रहे हो ये होगा उस ऐप के लिए, पर्टिकुलर उस ऐप के लिए जिसको आप लॉक करना चाहते हैं। पहले जो अभी तक हमने लॉक किया वो था इस ऐप का मेन पासवर्ड, अब जो लॉक कर रहे हैं यहाँ पे वो है उस ऐप का जिसको आप लॉक कर रहे हैं, समझ गए। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1111 मतलब 4 बार 1 लिख दिया। उसके बाद रेंटर पासवर्ड में भी मैंने यहाँ पे 1111। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है नेम वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेम पे मैं क्या करता हूँ, जो पासवर्ड मैंने रखा था अभी वो पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे होगा क्या, मुझे जो है याद रहेगा कौन सा पासवर्ड है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉक्ड ऐप्स। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो आपके फ़ोन का सारा ऐप्स जो है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब जिस भी ऐप्स को आपको लॉक करना है सिंपली से आपको यहाँ पे उसको इनेबल कर देना है। आप देख सकते हैं लास्ट में एक ऑप्शन है इनेबल करने का, अब फिलहाल ये सारा डिजेबल है। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैंने 1111 4x1 जो पासवर्ड सेट किया होगा उसके अंदर मैं आया हूँ। अब यहाँ पे जितने भी ऐप्स को मैं इनेबल करूँगा वो सारा उसी पासवर्ड से लॉक होगा, लेकिन मुझे अगर हर ऐप्स के लिए अलग अलग पासवर्ड करना है तो एक पासवर्ड के अंदर मैं एक ही ऐप को यहाँ पे इनेबल करूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो एक ऐप को जो है इनेबल किया, एंड जैसे यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये सेट हो गया है, और यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये लॉक हो चुका है। अब वापस से आपको बैक आना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वो जो ऐप लॉक हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है। अब सिंपली से फिर से अगर कोई दूसरा ऐप लॉक करना है तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, सिंपली से क्लिक करो, फिर वही ऑप्शन, चार ऑप्शन दिख रहा है, बटन पिन क्या रखना है, तो फिर से मैंने पिन सेलेक्ट कर लिया है, और वही प्रोसेस, नेम चेंज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में ऑप्शन मिलेगा लॉक्ड ऐप्स का, फिर से उसके अंदर जाओ, जो भी पासवर्ड जो भी मतलब ऐप्स को इनेबल लॉक करना है उसको इनेबल करो, और फिर से यहाँ पे प्लस पे करो, एंड फिर से बैक आ जाओ। तो देख सकते हो यहाँ पे दो मेरा जो ऐप है वो लॉक हो गया है, तीसरा सेम यही प्रोसेस मैं करता हूँ, और देख सकते हो कि ये प्रोसेस सेम एज इट इज़ मैंने फॉलो किया, एंड यहाँ पे जो है तीसरा ऐप्स भी जो है मेरा यहाँ पे लॉक हो गया है।
ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला जो ऐप है उसके लिए मैंने 4x1 रखा है, दूसरे जो ऐप्स है उसके लिए मैंने 4x2 रखा है, और तीसरा जो ऐप है उसके लिए मैंने 4x3 रखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक मेरा पासवर्ड देख लेता है या समझ जाता है तो ये दो ऐप को नहीं खोल सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि सारा सेम है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसे सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पे पासवर्ड आपने सभी अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग पासवर्ड सेट किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बट अभी भी ये 100% कन्फर्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बाकी है। क्योंकि देखो अभी आपने पासवर्ड तो लगा दिया बट इस ऐप्स को परमिशन नहीं दिया है इस पासवर्ड को एक्सेस करने का। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो ये ऐप जो है आपको खुद ही रिकमेंड करेगा कि आप जो है इसको परमिशन दो। क्या करना है, आप इस ऐप को क्लोज कर देना, बंद कर देना, वापस इसको इनेबल कर मतलब ओपन करना, तो ये खुद आपको बोलेगा कि इसका यूजेस एक्सेस का परमिशन दो। आप ओके कर देना, ये सीधा आपको वहाँ लेकर चला जाएगा। अदरवाइज आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो अपने सेटिंग्स भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर चले जाओ, एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे सर्च में सर्च करना है यूजेस एक्सेस का। जैसे ही यूजेस एक्सेस सर्च करोगे तो यहाँ पे यूजेस एक्सेस के अंदर आ जाओ और सिंपली से ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको इनेबल कर दो। जैसे ही इनेबल करोगे तो अब जो है 100% ये डन हो चुका है, और अब जो है आप यहाँ से कोई भी पासवर्ड जो लॉक किया था वो सारा 100% जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो गाइस देखा अभी हमने पासवर्ड जो है कम्प्लीटली सेट कर लिया है, और अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, यानी कि प्रूफ कर देता हूँ कि हाँ जो मैंने अभी पासवर्ड सेट किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखो ये जो है पहला ऐप से जिसको मैंने 4x1 सेट किया था, इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे मैंने 4x1 डाला, और देखो ये जो है इनेबल हो गया है। उसके बाद दूसरा जो ऐप था उसमें मैंने 4x2 डाला था, तो यहाँ पे दूसरा ऐप मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे देखो 4x जैसे ही मैंने 2 डाला तो यहाँ पे ये वाला भी जो है ओपन हो गया है। और तीसरा ऐप जो था मेरा उसमें मैंने 4x3 डाला था, तो यहाँ पे भी देखो मैंने जो है 4x3 डाल दिया है और सक्सेसफुली गाइस देखो यहाँ पे भी जो है मेरा ऐप जो है ओपन हो चुका है। तो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से जो है मैंने अपने ऐप्स पे जो है लॉक लगा लिया, वो भी कस्टम लॉक, यानी कि हर अलग अलग ऐप्स पे अलग अलग पासवर्ड। ठीक है, तो कितने इंटरेस्टिंग है आपने देखा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया था कि पासवर्ड मतलब कैसे लगा सकते हैं ऐप को या फोन को लॉक कर सकते हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो दोनों वीडियो का यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जाके क्लिक करो एंड एंजॉय करो।